हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी वेल इनफ यानी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जो भी कैंडिडेट किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, टेंथ पास आउट, ट्वेल्थ पास आउट या फिर ग्रेजुएट, सबके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो जैसा आप सभी को पता होगा, DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से स्पेशल टीचर, वार्डन एंड वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस विषय में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि किन किन पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्या है, एज की लिमिट क्या है, कितना कितना सीट रखा गया है पोस्ट के लिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होता है ना, पोस्ट कोड, वो भी बताऊंगे आपको, ताकि आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे ना तो पोस्ट कोड वाइज आप क्लियरली अच्छे से फॉर्म अप्लाई कर पाओ। एग्जाम की पैटर्न Tier 1 एंड Tier 2 दोनों के लिए समझाऊंगी। तो अगर आप भी इसको लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड होना तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर वॉच करना। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लुक, एज आई टोल्ड यू, DSSB की तरफ से आपका स्पेशल टीचर, वार्डन एंड वेरियस पोस्ट के लिए ओवरऑल पोस्ट कितनी आई है, 863, मतलब 863 सीट के लिए आपकी ये वैकेंसी स्टार्टेड है फॉर्म। अभी हम लोग देखेंगे कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, पोस्ट वाइज सीट क्या है, क्वालिफिकेशन एंड एज की लिमिट क्या रहने वाली है, पोस्ट कोड क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ना हो जाता है आपका पोस्ट कोड, क्योंकि जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे ना तो अगर एक पोस्ट कोड की वजह से आपका पूरा फॉर्म, मतलब होता है ना कि डिस्ट्रॉय हो सकता है, फिर से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, सोच समझ के फॉर्म भरना होगा। तो मैं यहाँ पे क्लियरली आपको बता दूंगी कि किस पोस्ट का क्या पोस्ट कोड है। पोस्ट कोड वाइज आपको मैं एग्जाम की पैटर्न भी बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं किन किन पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है। पोस्ट की बात करें तो वार्डन मेल के लिए आई है, लेबोरेटरी अटेंडेंट, मैट्रॉन, जेरोक्स ऑपरेटर, मैनेजर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ASO के लिए भी है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए भी है। तो आइए देखते हैं कितना पोस्ट है, क्या सब क्राइटेरिया वगैरह है। आपकी जो फर्स्ट पोस्ट है ना वार्डन, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, टोटल सीट आपका 271 है, और क्वालिफिकेशन सिंपली 10+2 पास आउट, मतलब जिन्होंने भी इंटर पास कर रखा है अप्लाई कर देंगे। एज की लिमिट मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 साल यहाँ पर रखा गया। पोस्ट कोड देख लीजिए फ्रेंड्स, 113/23, मतलब 113/23 इसका पोस्ट कोड रहने वाला है। सेकेंड पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट का, इसके लिए आपको 37 सीट है। सिंपली जो 10th पास आउट बच्चे हैं, मैट्रिक कर रखा है जिन्होंने, सब अप्लाई करेंगे। एज आपका 18 से 27 साल यहाँ पर रखा गया है। इसके लिए जो पोस्ट कोड है ना, 103/23 आपका रहने वाला है। मैट्रॉन की पोस्ट के लिए 62 सीट है, 10+2 पास आउट, मतलब इंटर वाले बच्चे अप्लाई करेंगे, 18 से 27 साल इसका भी एज का लिमिट रहने वाला है। इसका जो पोस्ट कोड है ना फ्रेंड्स, 112/23 रहने वाला है। फोर्थ आपका है जेरोक्स ऑपरेटर, इसका एक ही सीट आया है, 10+2 पास आउट, मतलब जो इंटर पास कर रखे हैं वो सभी अप्लाई करेंगे। एज 18 years to 27 years रखा गया। पोस्ट कोड है 86/23, मतलब 86/23 इसका पोस्ट कोड रखा गया है। फिफ्थ जो आपका पोस्ट है ना फ्रेंड्स, मैनेजर की पोस्ट है, 20 सीट यहाँ पर है। ग्रेजुएट कैंडिडेट, मतलब किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, अप्लाई कर सकते हो। इसमें मिनिमम एज नहीं दिया गया, मैक्सिमम एज 30 years, मतलब 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो पोस्ट कोड है ना मैनेजर की पोस्ट के लिए, 107/23, मतलब 107/23 है, ध्यानपूर्वक देखेंगे पोस्ट कोड को। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मतलब ASO, इसके लिए 13 सीट है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दिया गया है कि ग्रेजुएशन कर रखा है जिन्होंने आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर से, मतलब इन चारों फील्ड वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज है आपका 30 years, और देखो पोस्ट कोड इसके लिए 101/23, मतलब 101/23 आपका पोस्ट कोड रखा गया है।
लास्ट पोस्ट है आपकी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की, 19 सीट है। ग्रेजुएट कंप्लीट जिन लोगों ने कर रखा है वो सभी अप्लाई करेंगे। एज की जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट रखा गया। इसका जो पोस्ट कोड है ना 111/23 मतलब 111/23 जो पोस्ट कोड है वो इसके लिए आपका लागू होगा। चलिए अब देख लेते हैं इन सभी पोस्ट के लिए आपका फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगा। आपका ये फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है 21 नवंबर से, मतलब 21 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट टू अप्लाई 20 दिसंबर 2023 रहने वाला है। 20 तारीख का इंतजार मत करिएगा, 21 नवंबर से जैसे ही आपका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर देना आप। चलिए बता देते हैं कि फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको फी क्या लगने वाला है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से लिया जाएगा 100 रुपीज, और अदर कैंडिडेट मतलब एससी एसटी जो भी है उनसे यहाँ पर कोई भी फी नहीं ली जाएगी। रही बात की एज की लिमिट आपका कब से कब तक कैलकुलेट होगा, तो फ्रेंड्स पहले जान लेते हैं कि आपका एज लिमिट किस डेट से यहाँ पर देखा जाएगा। योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 20 दिसंबर 2023, मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 37 इयर्स। पोस्ट वाइज डिफर करता है जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। रिलैक्सेशन भी मिलता है फ्रेंड्स ओबीसी को 3 इयर्स का एंड एससी एसटी को मिलता है 5 इयर्स का। तो आप ये सभी तो अच्छे से समझ गए हैं कि इसका पोस्ट कितना है, किस किस पोस्ट के लिए आया है, कितना सीट है, क्वालिफिकेशन, मतलब सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। रही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होने वाली है, तो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट कोड के लिए ना डिफरेंट यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है। तो चलिए पहले मैं बता देती हूँ कि सिर्फ टीयर 1 किन किन पोस्ट कोड के लिए होगा और टीयर 2 किन किन पोस्ट कोड के लिए होगा। तो पहले देखिए जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे पोस्ट कोड 113/23, 103/23, 112/23, 86/23 और 111/23। इन सभी पोस्ट कोड के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, टीयर 1 होगा। और जो आपका बाकी का पोस्ट कोड है 101/23, 107/23, इसका टीयर 1 तो सेम टू सेम होगा ही, साथ ही साथ इन दोनों पोस्ट कोड के लिए ना आपका टीयर 2 का भी पेपर होगा। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि टीयर 1 में क्या एग्जाम पैटर्न रखा गया है। टीयर 1 में होता है फ्रेंड्स आपका 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के लिए। टाइम विल बी 2 आवर्स मतलब 2 घंटे का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग 1/4, 0.25 की निगेटिव मार्किंग होगी। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें फ्रेंड्स तो जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, हिंदी के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए एंड इंग्लिश के भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। फिर आपका जो लास्ट सब्जेक्ट है ना मैथ्स, मैथ्स के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। सो आई होप कि टीयर 1 की एग्जाम पैटर्न को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और जैसा आपको पहले भी बताया है इन पोस्ट कोड के लिए आपका सिर्फ टीयर 1 होगा, उसके बाद आप क्वालिफाई करोगे तो आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। लेकिन इन दोनों पोस्ट कोड के लिए आपका टीयर 1 तो सेम टू सेम होगा ही, साथ ही साथ टीयर 2 भी होगा। तो आइए बता देती हूँ टीयर 2 का क्या एग्जाम पैटर्न होता है। टीयर 1 में ना आपको सॉरी टीयर 2 में आपको एमसीक्यू के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। 275 क्वेश्चंस रहते हैं, टाइम दिया जाता है 3 आवर्स का। एमसीक्यू रहता है फ्रेंड्स आपको 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए। इसमें देखें कि किन किन सब्जेक्ट के आपको 200 क्वेश्चंस रहेंगे। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, मैथ्स के 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के लिए। तो ये जब आपका एमसीक्यू का सेक्शन खत्म होगा फिर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। एसे 50 मार्क्स के लिए, लेटर राइटिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियाज आपका 25 मार्क्स के लिए। सो ओवरऑल टीयर 1 टीयर 2 दोनों का एग्जाम पैटर्न आप समझ पा रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे पोस्टिंग कहाँ होगा, तो जैसा आपको पता है दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से वैकेंसी आई है, तो दिल्ली के अंदर ही आपको काम करना होगा। और रही बात सैलरी वगैरह की या फिर और भी आप डिटेल वे में इसके बारे में जानना चाहते होंगे तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं पोस्ट कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां पे भी जाके अच्छे से एक बार डाउनलोड करके देख लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे
टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ से मिलेगा? तो फ्रेंड्स, मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम सबका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके फॉलो कर लो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना फ्रेंड्स। कहीं पे कुछ क्वेरीज वगैरह छूट गई हो तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।